हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, साउथ सूडान का एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं जिसमें मुंडारी जनजाति के बारे में हमने आपको बताया था और उस पर आप लोगों ने अच्छा खासा प्यार दिया है। आप लोगों ने उस वीडियो को देखकर पार्ट टू के लिए काफी रिक्वेस्ट भी किए और आप में से कई दोस्तों ने तो जल्दी से जल्दी बनाने की रिक्वेस्ट भी की थी। इसलिए आज हम साउथ सूडान के पार्ट टू में मुंडारी जनजाति की रोचक जानकारियां लेकर आए हैं। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में हमने यह नहीं बताया था कि आखिर यह शख्स गाय के पीछे इस तरह से क्या कर रहा है, किसी कारण से नहीं बता पाए, लेकिन आज सब कुछ बताएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर ध्यान से देखें और अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले वो भी देख लें। उसके लिए लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना बकचोदी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में कई तरह की जनजातियां रहती है और उन जनजातियों के रहन सहन का तरीका भी अलग अलग होता है, लेकिन कई जनजातियों के तरीके पर अफसोस होता है तो कई जनजातियों के बारे में जानकर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, साउथ सूडान में वैसे तो बहुत सी जनजातियां रहती है लेकिन 6 तरह की जनजातियां काफी फेमस है और इस वीडियो में हम मुंडारी जनजाति के साथ साथ टोपोसा जनजाति के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, टोपोसा जनजाति के घर मुंडारी जनजाति से थोड़े से अलग होते हैं। इन लोगों के घर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और यह लकड़ी के लट्ठों पर जो बने हुए हैं यह इनके सामान को रखने के लिए बनाया जाता है जिसे यह लोग स्टोर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें यह खाने पीने और जरूरी सामान को रखते हैं और ऊंचाई पर बने होने के कारण जानवर उन तक नहीं पहुंच पाते और दिन में यह घर यहाँ की औरतों को बैठने के लिए छाया भी देते हैं और बुजुर्ग लोग पेड़ों की छांव में आराम करते हैं जबकि जवान मर्द जानवरों को चराने का काम करते हैं। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि यहाँ गर्मियों में नॉर्मल तापमान 40 डिग्री तक चला जाता है। दोस्तों, इन घरों और चारों तरफ की बाउंड्रीज को बनाने का काम यहाँ की महिलाओं का ही होता है। हालांकि दीमक लगने के कारण इन महिलाओं को थोड़े थोड़े समय बाद इन्हें वापस रिपेयर भी करना पड़ता है। दोस्तों, यह जनजातियां कैमरा से भी काफी वाकिफ है और जब इनकी वीडियोस बनाई जाती है तो यह उसे अच्छे से एंजॉय करते हैं। और टोपोसा जनजाति की कुछ महिलाएं स्मोक भी करती है। और दोस्तों, इस जनजाति के लोगों का किचन इस तरह का होता है जहाँ पर यह खाना बनाते हैं। दोस्तों, साउथ सूडान बहुत ही गरीब देश है जिसकी वजह से इन जनजातियों तक कई मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। हालांकि सरकार ने कुछ इलाकों में टोपोसा जनजाति के लिए हैंडपंप भी बनाए हैं जहां से यह पानी भरते हैं और पानी भरने का काम भी महिलाओं का ही होता है। दोस्तों, टोपोसा जनजाति के लोगों का कहना है कि हमारे लोग काफी शांत स्वभाव के होते हैं जबकि पास ही की बुया जनजाति घूमने आए टूरिस्ट की कार पर हमला कर देते हैं। और दोस्तों, बुया जनजाति के बारे में एक अलग से पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाया जाएगा, इसलिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, टोपोसा जनजाति के लोग आज भी लकड़ी को घिसकर आग जलाते हैं जिस तरह स्टोन एज में हमारे पूर्वज किया करते थे। दोस्तों, वीडियो लंबी होने के कारण टोपोसा जनजाति की पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हम आगे वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आप में से कौन कौन टोपोसा जनजाति पर वीडियो देखना चाहता है कमेंट करके जरूर बताएं। और अब बात कर लेते हैं मुंडारी जनजाति के बारे में जिस पर हमने पहले वीडियो बनाया था और कई बातें रह गई थी। दोस्तों, मुंडारी जनजाति के लोगों का मानना है कि गायें उन्हें ईश्वर से जोड़ती है, इसलिए सुबह सुबह उठते ही वह लोग गायों के शरीर पर राख मलते हैं और यह राख इन गायों को मक्खियों से भी बचाती है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि यह राख इन्हीं गायों के सूखे गोबर को जलाकर बनाई जाती है और इस राख को इस जनजाति के लोग अपने शरीर पर भी मलते हैं जिससे इन्हें मच्छरों से छुटकारा मिल जाता है। और छोटे बच्चे सुबह सुबह इन गायों का ताजा गोबर उठाने का काम करते हैं। दोस्तों, यह जनजाति बाकी की दूसरी जनजातियों की तरह इन जानवरों का मांस न खाकर सिर्फ दूध का ही इस्तेमाल करती है
दोस्तों यह लोग अपने सर पर मिट्टी रगड़ने के बाद गाय का पेशाब इसलिए भी डालते हैं क्योंकि ऐसा करने से उनके बालों का कलर हल्का लाल हो जाता है, जो इनकी महिलाओं को काफी अच्छा लगता है। और दोस्तों महिलाओं को जो अच्छा लगता है वह तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि इस जनजाति के लोग गाय के पिछले हिस्से में पेशाब की जगह पर मुंह देते हैं, तो इसमें कुछ लोगों ने यह सोचा था कि यह पेशाब पीने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यह लोग पेशाब पीने के लिए नहीं, बल्कि जब गाय दूध नहीं देती है तो दूध निकालने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा या फिर किताबों में पढ़ा होगा कि गाय अपने दूध को रोक कर रखती है और हाथों से उसे निकालना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि मशीन लगाने पर वह उसे नहीं रोक पाती। अक्सर हम देखते हैं कि गाय का दूध निकालने से पहले बछड़े को दूध पीने के लिए छोड़ा जाता है। यह कार्य दूध को थनों तक लाने के लिए किया जाता है। और मुंडारी जनजाति में गाय के पीछे फूंक से दबाव बनाया जाता है, जिससे गाय अपने दूध को ढीला छोड़ देती है और वह आसानी से थनों तक पहुंच जाता है। फिर हाथों से दूध निकाला जा सकता है। और गाय दूध देने से पहले पेशाब भी करती है, जिससे यह लोग बर्तन धोते हैं। दोस्तों वाकई में इन लोगों के यह कार्य हैरत में डालने वाले हैं। और इन्हें देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि लोगों ने क्या क्या तरीके निकाल रखे हैं। दोस्तों मुंडारी जनजाति ज्यादातर खुले में ही सोती है और इस जनजाति द्वारा पाली गई सारी गायों का एक अलग नाम होता है, जबकि इस जनजाति में बच्चों का कोई नाम नहीं होता। और बच्चा बड़ा होने पर अपनी पसंद की किसी भी गाय का नाम एडॉप्ट कर सकता है, यानी कि उस गाय के नाम पर खुद का नाम रख सकता है। और इस जनजाति की एक पहचान यह भी है कि इस जनजाति के पुरुष अपने फोरहेड पर 3 से 5 समांतर लाइनें बनाए हुए रखते हैं, जो वी शेप में होती है। हालांकि यह लाइंस आपको सभी मर्दों के फोरहेड पर देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों मुंडारी जनजाति शांति पसंद करने वाली जनजातियों में से एक है और इस जनजाति में मर्द टाइम पास करने के लिए कुश्ती भी लड़ते हैं। और जब कभी भी इनके बीच में कोई छोटा मोटा विवाद हो जाता है तो उसे सुलझाने के लिए कुश्ती का ही सहारा लेते हैं, इसीलिए कुश्ती इनका पसंदीदा खेल बन चुका है। आखिर में दोस्तों आपको बता देते हैं कि यह लोग अपनी गायों से इतना प्यार करते हैं कि यह इनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक हर साल साउथ सूडान से 2,50,000 गायें चोरी होती है और इसीलिए यह अपनी गायों को बचाने के लिए अपने पास गन रखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और क्या हमें आगे भी इसी तरह की वीडियोस बनाने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और टोपोसा जनजाति के ऊपर इसी तरह का जानकारी से भरा वीडियो देखने के लिए कमेंट में टोपोसा पार्ट 2 जरूर लिखें। अब दोस्तों यहां तक पहुंच ही गए हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।